हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से आरटीआई की सूचना 48 आवर्स में मांग सकते हैं। अभी तक आपने ये सुना होगा कि सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम में 30 दिन के अंतर सूचना का प्रोविज़न है, लेकिन इस कानून में 48 घंटे में भी सूचना मांगी जा सकती है। लेकिन इसके लिए सूचना मांगने वाले व्यक्ति को जान का खतरा हो या उसकी सूचना इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो कि उसे जल्दी से जल्दी प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक हो, ये जानकारी राज्य सूचना आयुक्त हाफिज़ उस्मान ने दी है। उन्होंने कहा कि 48 घंटे में सूचना मांगने वाले को प्रथम अपील की ज़रूरत नहीं है। इस मामले में भी सूचना ना देने पर सूचना अधिकारी के खिलाफ 25,000 रुपये जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भी प्रोविज़न किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को समय से सूचना नहीं मिलती और वो सूचना पाने में जो खर्च करता है तो उसे उस रिलेटेड विभाग से 25,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक का मुआवजा दिए जाने का प्रोविज़न है। अगर किसी व्यक्ति के कहने से कोई बाबू, अफसर या फिर जो सूचना देने वाला अधिकारी है वो सूचना नहीं देता है तो वो उसे नोटिस भी जारी कर सकते हैं। इस नोटिस से समय पर सूचना ना मिलने पर वो कार्रवाई से बच जाएगा और दोषी अफसर या फिर जो कर्मचारी है उसे जुर्माना देना पड़ेगा। इस दायरे में जो विभाग है उसके अफसर से लेकर जो प्रमुख सचिव होते हैं वो भी आ जाते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना अधिकारी को इस प्रोविज़न का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करने को कहा गया है। अक्सर देखा ये जाता है कि सूचना मांगने वाला व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण जो रिलेटेड विभाग होते हैं उसके स्थान पर किसी दूसरे विभाग के पास अपनी अर्जी दे देता है, तो जो वो विभाग होता है जिसके पास गलती से आरटीआई चली गई है वो उसे रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। लेकिन नियम ये है कि उनका ये दायित्व बनता है कि वो उस प्रार्थना पत्र को उसी रिलेटेड विभाग के पास भेज दें और उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन देने वाले को दे। अक्सर ये भी शिकायतें मिलती हैं कि जो अधिकारी होते हैं वो अपील को नहीं सुनते, लेकिन नियम के अनुसार उन्हें 1 सप्ताह के अंदर इस अपील को ज़रूर सुनना होगा। इसके अलावा राज्य सूचना आयुक्त ने ये बताया कि अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आरटीआई की सूचना चाहते हैं तो उसे रिलेटेड विभाग के जरिए सूचना लेनी होगी। अगर वो प्राइवेट स्कूल के मामले में सूचना चाहता है तो उसे BSA अथवा DIOS के माध्यम से सूचना मांगनी होगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि किस तरह से आप आरटीआई को 48 आवर्स में भी सूचना मांग सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।